नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मास शून्य राशि क्या होती है और मुहूर्त के चुनाव में, मुहूर्त के चयन में इसका क्या महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, मास शून्य राशि क्या होती है और मुहूर्त के चुनाव में इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, मास शून्य राशि, ये मास मतलब जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, तो मास और चंद्र राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में उस समय गोचर कर रहा है, तो मास और चंद्रमा की राशि इसके द्वारा बनने वाला ये एक योग होता है, ये संयोग होता है। तो दोस्तों, जब किसी विशेष मास में चंद्रमा किसी विशेष राशि में गोचर करता है तो वो मास शून्य राशि नाम का अशुभ योग बनाता है। दोस्तों, ये एक अशुभ योग होता है। अब दोस्तों, मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि हर एक मास में चंद्रमा की कौन सी राशि ये अशुभ योग बनाती है। तो दोस्तों, अश्विन मास में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है तब ये अशुभ योग बनता है। कार्तिक मास में जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करता है, ऐसे ही दोस्तों मार्गशीर्ष मास में जब चंद्रमा धनु राशि में गोचर करता है, पौष मास में जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, माघ मास में जब चंद्रमा मकर राशि में गोचर करता है, फागुन मास में जब चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, चैत्र मास में जब चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करता है, वैशाख मास में जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करता है, ज्येष्ठ मास में जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करता है, आषाढ़ मास में जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, श्रावण मास में जब चंद्रमा मेष राशि में गोचर करता है, और दोस्तों भाद्रपद मास में जब चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करता है। तो दोस्तों, मास और चंद्र राशि का जो ये मिलन है, ये अशुभ योग बनाता है। अब दोस्तों, सभी मंगल कार्य, जो भी शुभ काम है, जो भी मंगल काम है, उनके लिए मास और चंद्र राशि की इस युति को त्यागना ही अच्छा होता है, वरना ऐसा कार्य संपत्ति के अलावा जातक के परिवार पर भी अशुभ प्रभाव डालता है। अगर ऐसे समय पर कोई कार्य शुरू किया गया तो संपत्ति का तो नुकसान होगा ही, उसके अलावा जातक के परिवार पर भी इसका अशुभ प्रभाव आएगा, तो जातक के परिवार को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से ये
मास शून्य राशि का नाम का ये योग बनता है और ये इसका अशुभ प्रभाव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।